बीजेपी तो भी बोला था भैया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना, लेकिन आप और हम समझ नहीं पाए। वो बोल रहा था बीजेपी से अपना बेटी को बचाओ, अच्छा, है ना, बीजेपी के लोगों से, बीजेपी के नेताओं से अपना बेटी को बचाओ। डबल इंजन की सरकार, आरएसएस की सरकार, आज अगर यही घटना दूसरे जगह झारखंड में हो जाता तो आज बीजेपी के नेता और मंत्री सड़क पर नाचने लगते हैं। कि लगातार 3 महीना से मणिपुर जल रहा है, वहाँ अराजकता का माहौल बना हुआ है, वहाँ हजारों लाखों लोग मारे जा रहे हैं, घर से बेघर हैं, और वह हमारे बेटी बहनों के साथ अत्याचार शोषण हो रहा है, उनको निर्वस्त करके नंगा घुमाया जा रहा है और पूरे देश को अपमानित किया जा रहा है। सिर्फ मणिपुर के लिए नहीं बल्कि यह पूरे देश की बेटी बहनों का अपमान है। मोदी सरकार बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन कहीं भी बेटियां और बहनें माताएं सुरक्षित नहीं नजर आ रही हैं। और खास करके इन दिनों में जो मणिपुर में घटना हुई है उसके कारण हम लोग बहुत ही दुखित हैं, आक्रोशित हैं। इस समय जो मणिपुर में जो समय अवधि जो सरकार ने लिया स्टेप उठाने के लिए वो काफ़ी लंबा अंतराल हमें लगा, इसके कारण से हम लोग भी दुखित हैं। और हम लोग भारत सरकार से निवेदन करते हैं, आप लोग पर हम लोग पूरा भरोसा करते हैं, क्योंकि आपको हम लोगों ने उठाया है और आप हम ही लोगों की सेवा के लिए हैं, इसलिए हम लोगों का आपसे नम्र निवेदन है कि आप लोग निश्चित करके इस पर पहल करें। तो आदिवासी या क्रिश्चियन लोग को बोलेंगे कि दूसरा कुछ और निर्णय लेना पड़ेगा कि भाई आप अपना मसीहा चुनो, ये हमारा मसीहा नहीं है। ना प्रधानमंत्री कुछ बोल रहे हैं, ना वहाँ की मुख्यमंत्री कुछ बोल रहे हैं। मणिपुर को सरकार मतलब कि पूरी आधार पर छोड़ चुकी है, उसमें क्या किस तरह का हिंसा हो रही है ना उसका जाँच किया जा रहा है, ना वहाँ पे फौज भेजा जा रहा है, और निरंतर जो हमारे आदिवासी समुदाय के साथ वहाँ निरंतर हम हमारे आदिवासी समुदाय के साथ मतलब कि उसमें प्रताड़ना, महिलाओं के साथ अभद्रता किया जा रहा है हमेशा। मणिपुर में जो कुछ भी हो रहा है 79 डेज से, उसके प्रति हम लोग बहुत ही गुस्से में हैं, क्रोध भी है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि केंद्र सरकार इस पर कार्रवाई करे। वो लोग कर सकता था पर किया नहीं। ऐसा लग रहा है कि उनके हृदय में जो स्त्रियों के प्रति, इंसानियत के प्रति जो प्रेम भावना, जो तरस होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं है। ऐसा लग रहा है कि उनका जमीर जो है मर चुका है। ये सिर्फ आदिवासी समाज की नहीं है, ये हर एक घर के हर एक माँ बेटी की इज्जत है, ये देश की इज्जत है जो कि सब ना किया हुआ है ये मणिपुर। और सरकार जबकि 70 दिन 80 दिन हो गया तब तक सरकार क्या कर रही थी। मणिपुर 79 डेज से जलता रहा पर कुछ भी कार्रवाई नहीं किया गया, सिर्फ सांत्वना दिया गया। और मोदी जी को भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप सिर्फ एक वर्ग के नहीं हैं, आपको सबको चुना है, 140 करोड़ जनता ने चुना है। और आप सबको या जितना भी समाज है, चाहे वो किसी भी समाज का हो किसी भी धर्म का, आज आंख लगा के आपसे कुछ सिर्फ भाषण की नीड नहीं कर रहा है, हमें चाहिए सिर्फ एक्शन, कार्रवाई होना चाहिए। और उस दोषियों पर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि वो जमाना याद रखे आने वाली पीढ़ी तक। आज हम यहाँ इसलिए खड़े हैं कि आगे वाली हमारी पीढ़ी को भी याद रखे कि हाँ जवान खड़े थे, जब ये कृत हो रहा था तो हम आग बंद करके अपने रूम में यूट्यूब में सिर्फ कमेंट नहीं कर रहे थे, हम रोड में आके लड़े हैं। और ये बात रखेंगे जहाँ तक जा सके, दूर तक हमें न्याय चाहिए और हमें न्याय मिलना चाहिए। केंद्र की बीजेपी सरकार ये चाहती है कि भारत विश्व गुरु बने, और हम बहुत गर्व के साथ कहते हैं कि भारत माता की जय। और इस देश में 12 मास देवियों की पूजा की जाती है, लेकिन उसी माताएं और देवियों से भरे इस भारत देश के मणिपुर राज्य में 2 आदिवासी महिलाओं को निर्वस्त्र करके उसके गुप्तांग में अंगुली डाल के, हाथ डाल के भरे बाजार उसकी परेड कराई जाती है। और लगातार मणिपुर 3 महीने से जल रहा है, लेकिन केंद्र की सरकार इस पे जवाब देने से बच रही है। फिलहाल राजधानी रांची में इसी घटना को लेकर आज मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया है, भारी संख्या में लोग आए हैं, महिलाएं भी आई हैं। हम बारी बारी से सबसे बातचीत करते हैं। मैडम, मानव श्रृंखला बनाए हैं, शांतिपूर्ण तरीके से विरोध दर्ज करें, क्या कहेंगे मणिपुर की घटना से, कितने आहत हैं आप? बहुत अधिक दुखी हैं हम लोग और बहुत आक्रोशित भी हैं, क्योंकि ये बहुत ही शर्मनाक घटना हुई है। एक माता और बहनों के साथ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हम जो भी आरोपित हैं, दोषी हैं, उनसे हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि कड़ी से कड़ी उसको सजा दी जाए।
मोदी सरकार बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन कहीं भी बेटियां और बहनें माताएं सुरक्षित नहीं नजर आ रही हैं। और खास करके इन दिनों में जो मणिपुर में घटना हुई है उसके कारण हम लोग बहुत ही दुखित हैं, आक्रोशित हैं। इसकी जितने भी घोर निंदा की जाए वो कम है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। मैडम आपने वीडियो देखा? देखा है। कैसा लगा इस वीडियो पे? मतलब बहुत, हमने तो देखा, हम तो पूरा देख भी नहीं पाए। बहुत दुख लगा हमको भी, हम देखे और बहुत ही शर्मनाक घटना है। इस तरह जितने भी दरिंदे हैं वो भी किसी माँ से पैदा हुए हैं ना, लेकिन ये इतना घृणित काम को करते हैं। बहुत ही शर्मनाक बात है ये हमारे देश के लिए। और हमारा देश जैसे धर्मनिरपेक्ष देश कहलाता है, तो ये तो कहीं भी धर्म के नाम पर इस तरह की कोई घटना होती है तो ये बांटना हो रहा है, तो ये हम लोग घोर निंदा करते हैं इसकी। इससे क्या कहेंगे, एक आदिवासी महिला के साथ ऐसा किया गया है और पुरुष वर्ग ने किया है, कितनी दरिंदगी आपको इसमें नजर आती है? ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत को वसुधैव कुटुंबकम कहने वाली सरकार जो इस तरह का व्यवहार कर रही है, विशेषकर आदिवासियों के ऊपर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर जो इस तरह का तांडव कर रही है, सचमुच में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को इस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। सरकार ऐसे नहीं है कि वो कम बलशाली है, तो बहुत बलशाली सरकार है, इसको तुरंत कम से कम समय में इसको शांत करके शांति बहाल करना चाहिए और लोगों को न्याय देना चाहिए। और इस तरह की घटना कितनी भी निंदा की जाए कम ही पड़ेगी। बिल्कुल, पर 3 महीने से मणिपुर जल रहा है सर, केंद्र सरकार शांत है, क्या कहेंगे? ये तो केंद्र सरकार की पता नहीं सोची समझी नीति के तहत ये घटना घट रही है, ऐसा प्रतीत होता है। क्योंकि जो सोची समझी क्यों बोल रहे हैं सर? क्योंकि सरकार इस पर चुपचाप है, अभी तक मौन है, एक लफ्ज इस पर आवाज नहीं कर रही है। तो आम जनता में तो यही मैसेज जाता है कि सरकार की सोची समझी नीति के अंतर्गत ही ये जो घटना घट रही है या घटना घटित की जा रही है ये कराई जा रहे हैं, जानबूझ करके कराई जा रही है। ये हम आम जनता में ये मैसेज जा रहा है, क्योंकि सरकार इतने दिन तक चुप रहेगी ऐसा हो नहीं सकता है। क्योंकि सरकार जब जिम्मेदारी लेती है देश भारत को संचालित करने के लिए, सरकार गार्जियन है, बाप की तरह है, तो बच्चों के बीच जो लड़ाई झगड़ा होता है तो बाप का कर्तव्य होता है कि उनके बीच उपस्थित हो करके उनको शांति बहाल करे, उनको समझाए बुझाए और न्याय व्यवस्था निश्चित करे, ये सरकार का दायित्व बनता है। लेकिन सरकार को इस जगह हम देखते हैं कि पूरी तरह से फेल प्रतीत होता है। सर कैसे देखते हैं इस घटना को, कैसे देखते हैं सर इस घटना को? ये घटना हम लोग देखते हैं, संपूर्ण बातों को, राजनीतिक बातों को देखते हैं, तो ये राज्य सरकार उस पर पूरी तरह विफल है और पुलिस की कार्रवाई देख करके ऐसी लगती है कि पुलिस प्रशासन का मौन सहमति उसके साथ है। मौन सहमति है? हाँ हाँ, ये तो लगता है, क्योंकि पुलिस के सामने ये घटनाएं घट रही हैं और ये पुलिस उस पर कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रही है। तो ये राज्य सरकार पूरी तरह दोषी है और केंद्र सरकार भी इस पर कार्रवाई नहीं कर रही है, तो ये बड़े अफसोसजनक बात है कि संविधान के विरुद्ध जो कार्य हो रहे हैं उनको रोकने में ये सरकार पूरी तरह विफल है। दादा क्या कहेंगे, आप विरोध दर्ज करा रहे हैं लेकिन 3 महीने से ये घटना चल रही है, सरकार को इस पे कोई आपत्ति नहीं हो रही है, ना ही कोई विरोध दर्ज कर रही है, शांत है सरकार केंद्र की, क्या कहेंगे इसमें? तो मैं यही कहना चाहूँ कि आदिवासी वर्ग के लिए कोई प्रधानमंत्री नहीं है, वोट देकर के जिन्होंने बनाया है, जिसे खड़ा किया है, वो एक दिन में नहीं, दो दिन में नहीं, 3 दिन में नहीं, अब 70-78 दिन बाद में बात करेंगे हमारे लिए, हम क्या अपेक्षा करेंगे? अब तो आदिवासी या क्रिश्चियन लोग को बोलेंगे कि दूसरा कुछ और निर्णय लेना पड़ेगा कि भाई आप अपना मसीहा चुनो, यह हमारा मसीहा नहीं है, ना प्रधानमंत्री कुछ बोल रहे हैं ना वहाँ की मुख्यमंत्री कुछ बोल रहे हैं। तो क्या मोदी आप लोगों की रक्षा नहीं कर पा रहे, कैसा लग रहा है? अभी तक तो उन्हें यही संदेश मिला है, अभी उनके द्वारा तो यही संदेश दिया गया है, अभी जब यहाँ पर घटना हो रही थी कुछ भी बोल सकते थे, लेकिन उस चीज़ को उन्होंने रोकने का प्रयास ही नहीं किया है, तो इसे यही संदेश जाता है कि भाई आप लोग अपना खुद समझो। वे तो कह रहे हैं कि 140 करोड़ जनता वो समझेगी, मैंने उनके हृदय में जिन्होंने जो 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 घटना घटी है
वो उनके माने वो लोग आहत है, शर्मिंदा है। तो ऐसा लगता है कि जैसे प्रधानमंत्री ये कह रहे हो 140 करोड़ जनता से, या आप लोग खुद उसका निर्णय ले सकते हैं मणिपुर का? वो नहीं लेंगे। अब संदेश तो यही है, बस 40 अपने खुद प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को नहीं रखते हुए जब वो ललकार रहे हैं 140 करोड़ जनता को शर्मिंदा होना चाहिए, तो इसका यही चीज है कि हम लोग ये पैदल जा करके तो मोदी जी कब शर्मिंदा हो? हाँ, ये तो आदिवासी समाज को सोचना पड़ेगा कि वे कब शर्मिंदा होंगे, एक दिन बाद, दो दिन बाद, 77 दिन बाद, 78 दिन बाद, में कि असीमा दिन में। ये तो देखिए आदिवासी के अब समय ये आ गया है कि अब आदिवासी लोग का जो पीड़ा होगा, कुछ दर्द होगा, उसके बारे में एक नया जनरल नॉलेज आ गया है कि अब जो है प्रधानमंत्री जो है 75 दिन बाद, 80 दिन बाद बोलेंगे, ये तो एक नया चीज़ हो गया, नया इतिहास रच दिया इन्होंने। वीडियो आपने देखा सर? हाँ, हमने वीडियो देखा है। क्या महसूस किए महिलाओं को लेकर? अब देखिए अंदर से तो बहुत खराब, और अगर कोई आदमी है, कोई अगर परिवार में बसता है, पारिवारिक आदमी है, उसके लिए इससे खराब दिन नहीं आएगा। बस दीदी आपने वीडियो देखा? हाँ, हम लोगों ने वीडियो को देखे हैं, पर हम लोग मणिपुर के विषय में बोलना चाहेंगे कि हम लोग आदिवासियों के भाई बहन लोगों के बीच में बहुत बड़ा मतलब आरोप हो रहा है, और इस तरह का नहीं होना चाहिए। जाति जाति लोगों के बीच में मतलब आज हम लोग का झारखंड में, भारत देश में आज महिलाओं का इज्जत नहीं किया जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और विशेष तौर से कि महिलाओं को हम लोगों को इज्जत करना चाहिए ना, आज मोदी जब इस भारत देश में जब बैठक में बैठा, तो हम लोग उसको हम ही लोग के वजह से वो मतलब बीजेपी में बैठे ना, तो आज हम लोग को मोदी के विरोध में भी कहना है कि जब इतना बहुत सारे मतलब हिंसा हो गया, तब मोदी जी कहाँ थे? और जिनके परिवार में इस तरह का दुखद सा घटना जो हुआ है, वो तो वापस नहीं आ पाएगा। हाँ, उसका भरपाई कौन करेगा? जब मणिपुर जल रहा था, मोदी जी विदेश घूम रहे थे। हाँ, तो उसको इस चीज के बारे में मालूम होगा ना? मालूम तो है। हाँ। बात करते हैं युवाओं से। दादा, क्या कहेंगे मणिपुर की घटना को लेकर? आज आप मानव श्रृंखला बनाकर विरोध दर्ज कर रहे हैं। मेरा यही कहना है, जो 4 मई को कृत हुआ जो महिला के साथ, तो हमारा भारतवर्ष नारी की सम्मान करता, जहां महाभारत हो गया चीरहरण को लेकर, उस देश में एक नारी को पूरे नग्न करके तो 1,800 की भीड़ में इस तरह लेके गया, उसका मानसिक प्रताड़ना हुआ, उसके साथ जो भी हुआ आज सबको जान रहा। पर उससे सबसे शर्मिंदा इस बात का कि प्रशासन भी उनके साथ लिपापोती किया। 18 मई को रिपोर्ट दर्ज करवाया गया, 4 मई को वो घटना हुई, उसके बाद भी राज्य सरकार इस चीज़ का वेट कर रही थी कि जब वो वीडियो वायरल होगा तब हम जाके कुछ कार्य करेंगे। तो ये सरासर राज्य सरकार का भी दोष है, और उसके साथ भी केंद्र सरकार का भी इसमें दोष है कि आप जाके LOC तक में जाके आप कर सकते हैं पूरी कार्रवाई, लेकिन मणिपुर 79 डेज से जलता रहा, पर कुछ भी कार्रवाई नहीं किया गया, सिर्फ सांत्वना दिया गया। और मोदी जी को भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप सिर्फ एक वर्ग के नहीं हैं, आपको सबको चुना है, 140 करोड़ जनता ने चुना है, और आप सबको या जितना भी समाज है, चाहे वो किसी भी समाज का हो, किसी भी धर्म का, आज आंख लगा के आपसे कुछ सिर्फ भाषण की नीड नहीं कर रहा है, हमें चाहिए सिर्फ एक्शन, कार्रवाई होना चाहिए, और उस दोषियों पर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि वो जमाना याद रखे आने वाली पीढ़ी तक। आज हम यहाँ इसलिए खड़े हैं कि आगे वाली हमारी पीढ़ी को भी याद रखे कि हाँ, जवान खड़े थे जब ये कृत हो रहा था, तो हम आग बंद करके अपने रूम में यूट्यूब में सिर्फ कमेंट नहीं कर रहे थे, हम रोड में आके लड़े हैं, और ये बात रखेंगे जहाँ तक जा सके दूर तक, हमें न्याय चाहिए और हमें न्याय मिलना चाहिए। बिल्कुल, युवा रोड में है। दादा, पूरी 1,000 की भीड़ थी, लेकिन गिरफ्तारी सिर्फ एक की हुई है, क्या कहें? ये तो गलत हुआ है, गिरफ्तारी जितने लोग आरोपी है, जितने शामिल है, हर एक को गिरफ्तार तो होना है, सबको न्याय तो मिलना चाहिए। दादा, क्या कहेंगे बारिश में भीगते हुए विरोध कर रहे मणिपुर की घटना पर, क्या कहेंगे? मैं सरकार से यही आग्रह करूंगा कि जो भी दो काज हुआ है मणिपुर में, जो आदिवासी हो या कि जिस भी हमने हमारी बहन के बेटियों के ऊपर जो अत्याचार हुई है, उसके प्रति प्रत्येक समुदाय के सबके बेटी बहन होती है, ये सिर्फ आदिवासी समाज की नहीं है, ये हर एक घर के हर एक माँ बेटी की इज्जत है, ये देश की इज्जत है, जो कि सर्वनाश किया हुआ है ये मणिपुर। और सरकार जबकि 70 दिन 80 दिन हो गया, तब तक सरकार क्या कर रही थी? ये तो सरकार को, ये हमारी आह्वान है, ये आदिवासी सिर्फ आदिवासी महिला थी, इसका मतलब ये नहीं कि आदिवासी महिला के ऊपर सिर्फ अत्याचार हो रहा है, ये एक देश की बेटी बहन के लिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि बेटी बचाओ देश बचाओ,
ये कहाँ की नीति हुई कि एक गरीब गरीब तबका की अगर बेटी हो या कि अमीर तबका की बेटी हो, बेटी के ऊपर जब इतने अत्याचार हुई है, ठीक है अत्याचार हो चुकी है, पर ये 80 दिन क्या कर रहे थे तब तक, अभी तक कोई भी एक भी गिरफ्तार नहीं हुआ, एक गिरफ्तार हुआ, जबकि ये अत्याचार बढ़ता ही चला जा रहा है। अगर सरकार चाहती, हमारा ये निवेदन है, हमारी ये भीड़ है, ये हमारे निवेदन है कि सरकार इस पर उचित कार्रवाई करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दे, ये हमारी मांगे हैं। बात करते हैं युवाओं से। मैडम, भरी बारिश में विरोध कर रहे हैं आप, क्या कहेंगे मणिपुर की घटना पर? आप भी महिला है और महिला के साथ इस तरह की घटना हुई है। देखिए, हम लोग जो ये भीड़ और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, बस एक ही हम लोग का गुहार है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार न्याय दे। मणिपुर में जो कुछ भी हो रहा है 79 डेज से, उसके प्रति हम लोग बहुत ही गुस्से में हैं, क्रोध भी है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि केंद्र सरकार इस पर कार्रवाई करे। वो लोग कर सकता था पर किया नहीं। ऐसा लग रहा है कि उनके हृदय में जो स्त्रियों के प्रति, इंसानियत के प्रति जो प्रेम भावना, जो तरस होना चाहिए, वो बिल्कुल नहीं है। ऐसा लग रहा है कि उनका जमीर जो है मर चुका है और उनका केवल बोलने में पता चलता है कि हम क्रोध में हैं, रो रहे हैं, आंसू गिर गया, ऐसा प्रतीत होता है। हाँ, ऐसा प्रतीत होता है, बट ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो बोला गया है उसे करके दिखाना उन लोगों का है, क्योंकि हमारा जो जनता है उन लोगों के इसीलिए चुना गया है कि हर एक जनता उनके अधीनता में सुरक्षित हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा। उनके जो कुछ भी उन लोग आज तक अपना शासन में वो जो कुछ भी वादा किया वो सारा उल्टा पड़ रहा है, और जो स्त्रियों के साथ जो कुछ हुआ है पूरा इंडिया देख रहा है, ये पूरे इंसानियत के प्रति पूरा शर्मसार है। कहना मुश्किल है कि मतलब जो हालात है आज किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। हम लोग केंद्र सरकार से क्या भरोसा करें, क्या उम्मीद करें? विकास दा मानव श्रृंखला निकाल के विरोध कर रहे हैं, लेकिन क्या जिस तरह की बावरता हुई है, जिस तरह से महिला के साथ हुआ है, उसके लिए यह विरोध कम है? देखिए, आज तो शुरुआत है, बोला था ये बस झलक है, और आज़ाद भारत में पहली बार इस प्रकार का घटना घटी है हमारे माताएं बहनें के साथ में। सिर्फ वो दो बहनें के साथ ये घटना नहीं घटी है, ये घटना और इसका मतलब कि जो घटना जो दो बहन के साथ, वो पूरा देश का, पूरे देश में हमारी बहनें, हमारे माताओं के साथ ये घटना घटी है। ऐसे शर्म और लज्जा की के कारण केंद्र सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। और आज का जो रैली है, आज का जो मतलब सॉरी मानव श्रृंखला, ये बस शुरुआत है। आने वाले दिन में हम लोग इसको 30 तारीख को जनसभा करेंगे, उसके बाद भी लगातार हम लोग विरोध करेंगे, और विरोध का स्वरूप कुछ किसी प्रकार के भी हो सकता है। बीजेपी ये कहती है कि हम विश्वगुरु बनना चाहते हैं, देश विश्वगुरु बनना चाहता है, ऐसे क्या विश्वगुरु बन पाएगा भारत? अरे बीजेपी तो भी बोला था भैया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना, लेकिन आप और हम समझ नहीं पाए। वो बोल रहा था बीजेपी से अपना बेटी को बचाओ, अच्छा, है ना, बीजेपी के लोगों से, बीजेपी के नेताओं से अपना बेटी को बचाओ। डबल इंजन की सरकार, आरएसएस की सरकार, आज अगर यही घटना दूसरे जगह झारखंड में हो जाता तो आज बीजेपी के नेता और मंत्री सड़क पर नाचने लगते हैं। झारखंड छोड़िए, अगर ये मामला अगर गुजरात में हो जाता, मोदी जी के क्षेत्र में, तब क्या होता? अरे भैया बोल तो रहे हैं, अगर जहां आपका राज्य में आपकी सरकार है, राज्य में आपका मतलब सारा तंत्र है, है ना, फिर भी आप विफल हो जा रहे, इसका मतलब विफल सरकार है। केंद्र में आपकी सरकार, राज्य में आपकी सरकार, है ना, फिर भी आपकी कैसे विफल है? ये कहीं ना कहीं ये चाहती है ये सरकार, डबल इंजन की सरकार, कि मणिपुर जैसे जगह पे हिंसा बढ़े और लोग आपस में बटे, और 2024 में जो लोकसभा का चुनाव है, इसका मतलब ये लोगों का बंटवारा करना चाहती है मेरे हिसाब से। कम से कम 78 दिनों के बाद मोदी जी कुछ तो बोले हैं, क्या कहेंगे उस पे? ओ भैया मेरे, 78 दिन बाद मोदी क्या बोले हैं? जब सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा, बोला कि आपसे अगर संभलता राज्य नहीं है, देश नहीं संभल रहा है, तो आप इस्तीफा दो, आप हटो यहाँ से, तब मोदी आके 9 साल में पहली बार मीडिया के सामने रूबरू हुए हैं। ये बात को आपको जानना होगा, 9 साल में पहली बार, जब से 14 से अभी 24 का चुनाव आने जा रहा है, उसमें पहली बार मीडिया से रूबरू हुए हैं, वो भी केंद्र सरकार जब लताड़ा तब। इस मानव श्रृंखला में एक धर्मगुआ भी आए हैं, NWGL चर्च के आर्च बिशप हमारे साथ हैं। फादर, क्या कहेंगे मणिपुर की घटना पर? मणिपुर में जो घटना हुई है बहुत ही विभत्स और पूरे मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है, और उसके प्रति हम लोग सभी जो झारखंड के, विशेष करके रांची के जो हम
सभी धार्मिक अग्रणीगण हैं और सभी मसीह विश्वासी लोग हैं, उसके प्रति हम लोग क्षोभ और दुख व्यक्त करते हैं। और इसी कारण से आज हम लोग मानव श्रृंखला बना करके उनके प्रति हमने संवेदना को प्रकट किया है, विरोध को दर्शाया है कि वहाँ पर जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, वहाँ शांति स्थापित जल्द से जल्द होने पाए, इसमें हमारी भारत सरकार और वहाँ की राज्य सरकार निश्चित करके कार्य करे। यही हम लोगों का कहना है कि वहाँ जल्द से जल्द शांति स्थापित होने पाए। बिल्कुल, हम कोशिश तो कर रहे हैं, धर्मगुआ भी लगातार अपनी बातों को रख रहे हैं, लेकिन 3 महीने से लगातार मणिपुर जल रहा है और केंद्र की सरकार मौन है। क्या समझते हैं आदिवासियों पे, क्या नज़र नहीं जा रही है केंद्र सरकार की? हाँ, वही देखने में जैसा आ रहा है कि सरकार को स्टेप उठाने में लगता 3 महीने का अंतराल लगा। ये बहुत ही दुखद बात है, क्योंकि जो हमारी भारत सरकार है वो सभी तबकों के लिए, सभी संप्रदाय के लिए और सभी विशेष करके आदिवासी लोग जो वंचित लोग हैं ऐसे लोगों के लिए है, खड़ी है और हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहती है। लेकिन इस समय जो मणिपुर में जो समय अवधि जो सरकार ने लिया स्टेप उठाने के लिए, वो काफ़ी लंबा अंतराल हमें लगा। इसके कारण से हम लोग भी दुखित हैं और हम लोग भारत सरकार से निवेदन करते हैं, आप लोग पर हम लोग पूरा भरोसा करते हैं, क्योंकि आपको हम लोगों ने उठाया है और आप हम ही लोगों की सेवा के लिए हैं। इसलिए हम लोगों का आपसे नम्र निवेदन है कि आप लोग निश्चित करके इस पर पहल करें और वहाँ जितनी जल्दी शांति बहाल हो सकती है आप करेंगे, हम लोग आपके साथ में हैं और पूरा देश आपके साथ में है, यही शुभकामना हम लोग का है। धन्यवाद। झारखंड क्रिश्चियन यूथ एसोसिएशन के बैनर तले आज मानव श्रृंखला हुआ है। बात करते हैं अरविंद दास से, बड़ी संख्या में लोग आज सड़क पे आए हैं, विरोध दर्ज करा रहे हैं, लेकिन क्या इस विरोध से केंद्र सरकार को कुछ फर्क पड़ेगा, क्या लगता है? देखिए, जो मणिपुर की घटना है वो हृदय विदारक घटना है, जो पूरे राज्य और पूरे देश को संसार करने वाली घटना है। और निश्चित तौर पर जो आज का मानव श्रृंखला है, लोकतंत्र में हमारे आवाज़ उठाने का एक आधार है, जिसके तहत आज हम लोग पूरे चर्च के लोग मिलकर झारखंड क्रिश्चियन यूथ एसोसिएशन के बैनर तले हम लोग केंद्र सरकार और राज्य सरकार, जो मणिपुर में डबल इंजन की सरकार है, उनका विरोध में आज हम लोग मानव श्रृंखला बनाए। वो इसलिए कि लगातार 3 महीना से मणिपुर जल रहा है, वहाँ अराजकता का माहौल बना हुआ है, वहाँ हजारों लाखों लोग मारे जा रहे हैं, घर से बेघर हैं और वह हमारे बेटी बहनों के साथ अत्याचार शोषण हो रहा है, उनको निर्वस्त करके नंगा घुमाया जा रहा है और पूरे देश को अपमानित किया जा रहा है। सिर्फ मणिपुर के लिए नहीं बल्कि यह पूरे देश की बेटी बहनों का अपमान है, वो माँ बहनों का अपमान है जिन्होंने एक बच्चा को जन्म दिया है, जिसका विरोध आज हम लोग कर रहे हैं। आज केंद्र और राज्य की दोनों सरकार को हम इस्तीफा देने की मांग करते हैं। यदि आपसे राज्य और देश नहीं संभलता, आपका तंत्र इतना विफल है कि आप एक देश को, एक राज्य को कंट्रोल नहीं कर पाने, तो निश्चित तौर पर आपको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इस मांग को लेकर आज हम मानव श्रृंखला किए हैं और जिस तरह से मणिपुर में अब तक वहाँ अराजकता का माहौल बना हुआ है, बेटी बहनों के साथ लगातार अत्याचार हो रहा है, सरकार अविलंब हस्तक्षेप करे और वहाँ पर शांति बहाल व्यवस्था करे, नहीं तो आंदोलन जारी रहेगा। मणिपुर को न्याय दो के बैनर सबके हाथों में है, कंधे पे भी लोग ये लिखे हैं कि मणिपुर को न्याय दो। बिल्कुल, हम न्याय की बात करते हैं दादा, लेकिन उस वीडियो पे आप क्या कहना चाहेंगे महिलाओं के साथ जो इस तरह का हो रहा है? महिलाओं के साथ जो इस तरह का भरतरा हो रहा है, इसका हम कड़ी निंदा करते हैं। देखिए, सरकार को एक रूप, मतलब कि सरकार को पूरे राज्य को एक रूप से देखना चाहिए। तो मणिपुर को सरकार, मतलब कि पूरी आधार पर छोड़ चुकी है, उसमें क्या किस तरह का हिंसा हो रही है ना, उसका जांच किया जा रहा है ना, वहाँ पे फौज भेजा जा रहा है और निरंतर जो हमारे आदिवासी समुदाय के साथ वहाँ निरंतर हम हमारे आदिवासी समुदाय के साथ, मतलब कि उसमें प्रताड़ना, महिलाओं के साथ अभद्रता किया जा रहा है हमेशा वहाँ, मतलब कि देश के, मतलब प्रधानमंत्री जी को इसमें कड़ी से कड़ी इसमें कार्रवाई करनी चाहिए कि लोगों को मतलब कि भरोसा दिलाना चाहिए कि हाँ, कि हम हैं, आप आपके आपके हम आपकी सुरक्षा कर सकते हैं।